आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मूव बॉक्स प्ले टू अर्न का पार्ट टू, जिसके अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा टोकन मास्टर मूव बॉक्स की टोकन मास्टर गेम और मोमो नेट फार्मिंग का ओवरव्यू। इससे पहले हम क्विक एनालिसिस बीटीसी का करते हैं। बीटीसी ने एक सडन जंप लिया है 50,000 रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, बीटीसी ऊपर की तरफ निकला है और इस टाइम 50,980 और 51,000 के दरमियान के अंदर रजिस्ट कर रहा है। अगर बीटीसी की आज की डेली क्लोजिंग 51,000 के ऊपर होती है तो हमें बीटीसी के अंदर एक कल से एक नई रैली देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे एक और जो सिनेरियो जो के आप कह सकते हैं एक और जो सिनेरियो हमें जो अपनी नज़र में रखना है बीटीसी के लिए, वो ये है कि ये फेक आउट ना हो। जैसे कि बीटीसी बार बार अपनी 46,000 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल रहा था और जैसे ही उसने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे आके बीटीसी अभी स्टेबल है। जब तक हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिलती 51,000 से ऊपर, इवन के 50,500 से ऊपर, तो हम लोग तब तक बीटीसी के पर उतना बुलिश नहीं रह सकते जितना मार्केट के सेंटिमेंट्स शो कर रहे हैं। मे बी ये एक बुल ट्रैप हो, हमें इस चैनल को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी 51,000 से ऊपर, ताकि हम यहाँ से एक नेक्स्ट साइकिल जो कि हमारा 60,000 तक है उसको स्टार्ट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ जितनी भी इस टाइम अच्छी और स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आर प्रिंट, पोलकामोन, एलओसीजी गेम, उसके बाद TLM की माइनिंग, ICP पंकर ड्रॉप, क्यूकॉइन की जेम लिस्ट, ICP के अंदर जितना पोटेंशियल है वो, सोलोना की हाइप, कार्डानो एप्स और NFT प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे जा सकते हैं, कुछ वीडियोस मैंने जो डाली हैं आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर जाके सब्सक्राइब करें, ट्विटर के ऊपर फॉलो करें, ट्विटर के ऊपर आने वाली हर एक अपडेट को मैं शेयर करता हूँ, रीट्वीट करता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर सपोर्ट करें, इसको हम ग्रो करें। कुछ कंपनीज के साथ NFT को लेके बात चल रही है, मैं एयर ड्रॉप आपके लिए लाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा ताकि मैं किसी कंपनी के सामने इस चैनल को रख सकूँ जिसके बेस के ऊपर वो मुझे आप लोगों के लिए एयर ड्रॉप्स या फिर जिसको हम एलोकेशन कह सकते हैं वो निकाल के दे सके। हम अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। कल मैंने आपके साथ ट्रेड एक्शन शेयर किया था जो कि मूव बॉक्स टोकन का पार्ट वन था, जिसके अंदर मैंने आपको मूव बॉक्स टोकन के मूव बॉक्स गेम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे अकाउंट बनाया जाता है वो भी एक्सप्लेन किया और ट्रेडिंग एक्शन गेम को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो के पार्ट टू ये आखिरी पार्ट होगा, इसके अंदर आने वाला जो तीसरा पार्ट होगा वो नेक्स्ट जब गेम्स रिलीज़ होंगी उसके ऊपर बनाऊंगा। दो और गेम इनके आने वाले थोड़े टाइम में रिलीज़ होने वाली है, मोमो ब्लॉक बॉलर और ब्रेलर और ए ट्रिटिकल पार्टी स्लेव। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम कवरेंगे टोकन मास्टर और मोमो फार्मर को। टोकन जैसे कि आप देख सकते हैं हम टोकन मास्टर मोमो के गेम पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर से एक सो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आते साथ आपको अपना वॉलेट सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक मेरा वॉलेट कनेक्ट है, इस वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास ये गेम प्ले मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली आपको 20 प्लेंडर्स मिलते हैं डेली के, आपको 20 प्लेंडर करके उसके अंदर स्टार्स लेके इस यहाँ पे आपका लीडर बोर्ड है। प्लेंडर के अंदर आप अगर टॉप रैंकिंग के अंदर आते हैं तो आपको इतने मूव बॉक्स टोकन मिल सकते हैं जो कि हैं 10,000 मूव बॉक्स टोकन इस टाइम टॉप रैंकिंग वाले को मिल रहे हैं। अगर कॉइन गीको पे हम जाएं तो आपको मैं अगर चेक करवाना चाहूँ, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी पैसिव इनकम का सोर्स है जो लोग इसको खेल रहे हैं और जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करके डिफरेंट चीज़ों के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। इसके अंदर एक सेशन चलता है जैसे कि आप देख सकते हैं 135 घंटे के अंदर ये वाला सीज़न 14 ख़त्म हो जाएगा। इस सीज़न 14 के अंदर जिसके जितना जितना रैंक होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा टॉप के ऊपर आता हुआ। मूव बॉक्स कॉइन गीको में भी मेरे इंटरनेट का कोई काफ़ी आज कुछ फेयर किस्म का मसला चल रहा है। मूव बॉक्स को अगर हम यहाँ पे खोलें तो मूव बॉक्स की इस टाइम प्राइस चल रही है 7.25 को आप
10,000 के साथ करें तो 72,500 डॉलर्स पहले विनर को दिए जा रहे हैं, और दूसरे और तीसरे को आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे पूरी लिस्ट के अंदर 500 विनर्स को मूवबॉक्स टोकन गिफ्ट के अंदर मिलते हैं। सो लीडर बोर्ड के अंदर आपको ये, अगर आप इसी गेम को अगर मोबाइल एंड्रॉयड या आईओएस डिवाइस के ऊपर खेलें तो आपको काफ़ी अच्छे से, एक तो गेम की पेज आपके मोबाइल में काफ़ी अच्छे से खुलेगा, जिससे आपको काफ़ी इजी टू प्ले है एज कम्पेयर टू लैपटॉप। अच्छा जी, सबसे पहले चलेंगे ऊपर से अगर शुरू करें, ये आपके कॉइन हैं, ये आपके कॉइन्स हैं जो सिर्फ गेम की यूज के कॉइन हैं। इसको आप ना तो विड्रॉ कर सकते हैं ना ही आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं किसी तरीके से। ये आपका है मूव बॉक्स टोकन, इसको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, आप बीएससी एड्रेस के ऊपर अपना इस एड्रेस के ऊपर भेज के उसके बाद इसको आप ऑन कर सकते हैं गेम को खेल के। फिर आपके यहाँ पे सेटिंग आ गई जिसके अंदर आपके अंदर स्विच एड्रेस जो है, बाकी लैंग्वेजेस और डिफरेंट चीज़ें, आप जैसे कि उसके नीचे आ जाएं एनएन, यहाँ पे इसका आपके पास जो आपके अवतार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अवतार आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पे नाम चेंज करने का, फिर आपका मेन ऑप्शन आ जाता है टास्क, ये आपके डेली टास्क शो करता है, हर 24 घंटे के अंदर ये टास्क तब्दील हो जाते हैं। अब इस टास्क को पूरा करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स को आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं और इन टास्क को कंप्लीट करने से क्या बेनिफिट है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मेल्स को आप चेक करते रह करें, मे भी मेल के अंदर आपके लग काम करते करे और आपको मेल के अंदर कोई एयर ड्रॉप वगैरह मिल जाए, सो मेल आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है। लैंडिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कोई एयर ड्रॉप वगैरह सेम जैसे मेल के अंदर और लैंडिंग के अंदर है। मू टीवी के अंदर आप लाइव मैचेस देख सकते हैं जो जो इस टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर आपका लकी व्हील है, लकी व्हील आपको तब मिलता है जब आप 25 टोकन गेम के अंदर स्पेंड करते हैं तो आपको एक लकी व्हील मिलता है। अब लकी व्हील के अंदर आपको 5 मूवबॉक्स टोकन, 50, 10, इवन 100 और 1,000 मूव बॉक्स टोकन तक, मतलब आपको 50,000 70,000 डॉलर तक भी आप कमा सकते हैं, 7,000 आई थिंक, और 1,000 के साथ 7,200 डॉलर तक आप इसके अंदर स्पिन करके कमा सकते हैं। सो एक ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेंड करने पड़ते हैं गेम के अंदर डिफरेंट जगहों पे, आप करेक्टर बाय करें या कुछ भी करें। ये मूव एडवेंचर है, अगर आपके पास 3 रेयर NFTs हैं, 3 रेयर आपके पास मोमो टोकन्स हैं, तो आप उनको एडवेंचर में भेज सकते हैं और वो आपके लिए डिफरेंट मूव बॉक्स टोकन रिवार्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। सो ये जिसके पास, अगर इनके मोमो काफ़ी महंगी मिल रही हैं वो भी मैं आपको शो कराऊंगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट करके इस टाइम, क्योंकि NFT की हाइप जितनी चल रही है ये ख़त्म होते हुए भी इतनी जल्दी में ख़त्म होगी जितनी जल्दी में ऊपर जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी ये आ जाती हैं यहाँ पे आपके प्लंडर्स। अभी 20 प्लंडर्स आप दिन के अंदर कर सकते हैं, हर घंटे के अंदर एक प्लंडर आपको मिलता है। सो अगर मैं एक प्लंडर यहाँ पे करूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही ये सर्च कंप्लीट होगी, ये इनके साथ मेरे प्लंडर हैं, ये 3 करेक्टर्स हैं, मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे ये 3 करेक्टर हैं। अब ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले फ्रंट के ऊपर किसको रखना है, मैं फ्रंट के ऊपर इस वाले को रखूँगा। इसके ऊपर ये जो चीज़ शो हो रही है ये पावर्स हैं इसकी, और इन पावर्स को कैसे अपग्रेड करना है, इन पावर्स को हम बुक्स की मदद से अपग्रेड कर सकते हैं जो बुक हम क्लेम करते हैं टास्क पूरा करके। तो पहले नंबर पे मैं इसको रखूंगा, दूसरे पे मैं इसको रखूंगा, और तीसरे में इनके नीचे इनकी पावर शो कर रहा है कि इस आपके NFT की इतनी इतनी पावर। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक किया मैंने, मेरे दोनों NFT आमने सामने आ गई। 2x पे क्लिक करूंगा तो ये स्पीड के ना इनके साथ मैच स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर्स कम होने लगे, मेरा ये वाली मोमो के ना पावर कम है, और ये जो जिसके साथ मेरा मुकाबला है, मतलब जिस टीम के साथ मैं इस टाइम कंपटीशन कर रहा हूँ, उसके पास कौन कौन सी पावर हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। उनके पास 3 पावर हैं लेकिन काफ़ी सॉलिड पावर हैं, सो उन्होंने उसकी एक ही NFT ने मेरी 2 NFTs को मार दी।
अभी ही जैसे ही ये गेम ख़त्म होती है तो आपको ये 3 स्टार, अगर मैं उनकी गेम ख़त्म होने से पहले पहले तीनों NFTs मार देता हूँ तो मुझे 3 स्टार मिलेंगे। अगर मैं एक भी नहीं मार सकता, जैसे कि एक मारा 1 स्टार मिलेगा तो मैं मार दूँगा। सो 1 स्टार मुझे मिला और 2 स्टार मुझे मिस हो गए बिकॉज मैं उन्हें नहीं क्लिक कर सका, और कोई यहाँ पे मुझे इन गोल्ड या इन टोकन्स के ना कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। सो मेरे आप ये जैसे कि देख सकते हैं 19 प्लेंडर रह गए। अब ये 1 घंटा चला, 1 घंटे के अंदर अगर मैं कोई और प्लेंडर नहीं करता तो ये दोबारा से 20 हो जाएगा, लेकिन मैं 19 प्लेंडर अभी कर सकता हूँ तो मुझे 20 घंटे वेट करना पड़ेगा दोबारा से 20 प्लेंडर लेने के लिए, लेकिन मैं हर घंटे के बाद एक एक प्लेंडर कर सकता हूँ। सो ये भी एक ऑप्शन है। मोमो पे आ जाते हैं। मोमो के अंदर आते साथ आपके पास सबसे पहले ऊपर शो करेगा कि आपके पास कितने मोमो हैं। आल मोमो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बर्ड बीज फिश मॉन्स्टर ह्यूमन आल क्वालिटी के अंदर आप करेंगे तो कॉमन अनकॉमन यूनिक रेयर एपिक लेजेंडरी। मेरे पास इस टाइम कॉमन है जो गेम के अंदर पहले से फ्री दिए जाते हैं। तो ये 3 मोमोज हैं, तीनों में से मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं आऊँ मेन इनकी इस पे तो मैं एक और प्लेंडर करता हूँ और फिर मैं आपको बुक्स को यूज कर देता हूँ कि बुक्स को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि ये प्लंडर मैं कर रहा हूँ, एक राउंड अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको दबा के पूरी गेम भी स्किप कर सकते हैं। तो मैं हार गया हूँ, इसके ना किसी को भी मैं नहीं मार सका। तो विन 2 प्लंडर, एक और प्लंडर करेंगे। बहुत इजी टू प्ले गेम है, बहुत इजी टू प्ले, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रेटजीज और अगर आपके पास मोमो अच्छे हैं तो आप बहुत पैसिव इनकम इसमें से निकाल सकते हैं, लाइक एक्जी इन्फिनिटी, उससे काफ़ी ऊपर की ये गेम है। अब देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 2 उनके डिफीट किए तो मुझे 2 विक्ट्री मिल गई। टास्क के अंदर आप देख सकते हैं टास्क के अंदर पॉपअप हो गया और मुझे 2 बुक्स भी क्लेम होंगे। अब मैं मोमो पे आऊँगा, मोमो पे एक मोमो जिसको मैं करना चाहता हूँ अपग्रेड, इसके ऊपर आऊँगा, रीफाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये अपग्रेड के ऊपर ये है कि मैंने चारों को अपग्रेड किया हुआ है, सो मैं रीफाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो 2 बुक्स लगेंगी और मेरी पावर रीफाइन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी पावर के अंदर चेंजिंग आ गई, तो अब मेरी ये NFT थोड़ी सी और पावरफुल होगी। इस तरह मैं अपनी सारी बुक्स वहाँ से क्लेम करके इन सब NFTs को यहाँ से अपग्रेड करके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्टार्स को गेन कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर मेरी ये तीनों NFT हर मिनट के अंदर 1 गोल्ड कॉइन ये जो है इसको मिंट कर रही है, एक एक एक, तो हर 1 मिनट के अंदर 3 ये कॉइन्स मिंट हो रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम 1440 हुए में मिंट, जिनको मैं यूज़ करूँगा मोमो प्ले के अंदर। अब यहाँ पे आगे ये बेसिकली स्पिन होता है, स्पिन के ऊपर आप लगाते हैं कि आप अगर आप ये चेक करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 पे आया, तो 1 पे मेरे जितने टोकन हैं वो मुझे रिवॉर्ड में मिल जाएगा। 1 के ऊपर मेरे 200 टोकन लगे थे तो वो एक्स हो के मुझे 400 टोकन इन रिवॉर्ड मिला। प्लंडर पे आपका दोबारा से प्लंडर आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीफाइन और रीफ्लेस करने से मुझे 3 बुक्स और मिल गई। सो मैं अपनी 3 बुक्स को फिर कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा, जैसे कि मैं इस पावर को फिर से करता हूँ, इस पावर को करता हूँ, आई थिंक कम्प्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेंडर के ऊपर आगे, देन आपका मूव बॉक्स है, यहाँ पे आप इस अपने NFTs को रेंट आउट भी कर सकते हैं और किसी से NFTs को आप रेंट पे ले भी सकते हैं। अगर इसकी पावरफुल NFT है तो आप उसको रेंट आउट करके अपनी गेम्स को प्ले भी कर सकते हैं। लीडर बोर्ड के ना जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 27 स्टार हैं, बट 500 के ना मैं कहीं पे रैंक नहीं करता, सो मैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मोमो प्रो और ये तीनों के अंदर आप कहीं पे भी अगर रैंक कर जाएँ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं काफ़ी अच्छी और सॉलिड इनकम अर्न करने के। सो मूव बॉक्स का जो टोकन मास्टर मोमो गेम है उसका यही सारा ओवरव्यू था। इसके अंदर आप खुद रिसर्च करें, खुद थोड़ा सा ट्राई करें, गेम को प्ले करके देखें, फ्री प्ले करके देखें। अगर आपको गेम खेलते हुए ज़्यादा मज़ा आता तो आप मोमो को बाय भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो है मोमो फार्म। अच्छा, मोमो फार्मिंग के अंदर आपको मो बॉक्स और BNB को स्टेक करके यहाँ पे आप स्टेकिंग के ऊपर लगा के पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट बाकी जितने हैं आपके वो मिल सकते हैं।
एनएफटी के अंदर ये जी, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके बाय बॉक्स करके इसको खोल के मे भी आपको कुछ यूनिक एनएफटीज वगैरह कुछ मिल जाए। मिस्ट्री बॉक्स का सेम सीन, आप अनलॉक करें एनएफटीज, इनके मूव बॉक्स दे के आप वो कर सकते हैं। माई मोमो के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके पास जो मोमोज हैं वो आपको शो कर देगा कि आपके पास कौन कौन सी मोमो है और उसकी माइनिंग पावर कितनी है। मुझे जो फ्री मोमोज मिली हैं सो उसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे पास कोई उसके अलावा मोमो नहीं है। ये मार्केट के ऊपर आप आ जाएंगे। अगर मैं इनकी पावर के ऊपर जाऊँ, मार्केट प्लेस के अंदर जाके हम फिल्टर लगाते हैं, अगर ऑल क्वालिटी की जगह हम लिखते हैं रेयर, रेन एन एफ टीज आप देख सकते हैं इस टाइम कहाँ से शुरू हो रही हैं। 9,000, 3,000, जिसकी माइनिंग पावर 306 है उसकी प्राइस $7,000 है, $6,500 है। सो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाइप और कितना ज़्यादा लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। अब जिसके पास ये 14 लेवल की मोमो है तो वो तो आराम सुकून से लीडर बोर्ड के ना 5,500 की रैंक के ना आ सकते हैं। सो अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी मोमो है तो आप उसको माइनिंग कैंप के ऊपर ला के यहाँ पे आप स्टेक करके आप मो बॉक्स भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एनएफटी जब होगी तो आपको यहाँ पे आपकी टोटल हैश रेट बता रहा होगा और आप यहाँ पे मो बॉक्स टोकन कमा रहे होंगे। लीडर बोर्ड के अंदर आपको अगेन आपकी जितनी माइनिंग अगर पावर होगी उसके अंदर आप कितने ऊपर आ रहे हैं, कितनी माइनिंग और कितनी हैश रेट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग शो कर। अब इनकी दो और गेम्स आने वाली हैं, उसके अंदर शुरू के अंदर ही एंट्री लेके उसको सीख के आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। इनकी दो के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, इवन कि मैं भी पार्ट थ्री इसके ऊपर बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून जी, दोबारा से मैं कहूँगा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो से ट्यून रहें।